हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बेल स्लीव्स डिजाइन बनाना सीखेंगे। इस तरह की स्लीव्स हमारी जैसे कुर्ती होती है, जब हमारे टॉप होते हैं, जब ब्लाउजेज होते हैं, उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये आजकल बहुत ही ट्रेंड में और बनाना भी बहुत इजी है इसे। तो चलिए बनाते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर ली है और यहाँ से सिल भी ली है। तो इस स्लीव्स को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ से मैंने सिलाई लगा दी है। जितना भी आपको रेडी रखनी है अपनी स्लीव, उस हिसाब से रख लें। अगर आपको जैसे स्लीव बनाना सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं स्लीव पे भी वीडियो बना दूंगी। ये स्लीव हमारी रेडी हो गई है। इसके बाद हमें बेल बनाने के लिए कपड़ा लेना है। ये कपड़ा मैंने लिया है, यहाँ से 14 इंच है और इस साइड से भी 14 इंच लेना है। 14x14 का ये लेना है पीस। इसे हमें इस कॉर्नर से ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसे हमें इस तरह रख लेना है। तो ये इस शेप में आ गया है, ये फोल्डेड साइड है। अब ये बनी हुई स्लीव है हमारी। इस स्लीव को हमें यहाँ पर रखना है, जितना हमारा ये घेर है उसके बराबर रखेंगे। इस तरह से रख लेंगे, ऐसे रखना है कि ये सीधी रहे हमारी स्लीव। इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये निशान लग गया है, अब स्लीव को उठा लेंगे। इसके बाद यहाँ से देखना है कितना है हमारा। तो यहाँ से 7 इंच है, 7 से थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है और इस साइड में भी हमें 7 इंच पे ही मार्किंग करनी है, जितनी हमें यहाँ पे रखनी है। अगर छोटा रखना है तो छोटा भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से भी 7 इंच रखेंगे और इसे हमें इस तरह राउंड में मिला देना है, इस साइड में भी। ये मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग हो गई, ये भी हमें इसी तरह गोलाई में कटिंग कर लेनी है। ये बेल और ये स्लीव हमारी कट गई है। अब इसके ऊपर हमें पाइपिंग लगानी है। यहाँ पर दूसरे कलर की पाइपिंग लगाएंगे। तो अगर आपको जैसे पाइपिंग टिशी पट्टी काटना नहीं आता, तो इस तरह से हमें सीधा कपड़े को ऐसे रख लेना है और इसे हमें तिरछा कट करना है। यहाँ से ऐसे लाइन लगा लेंगे। इसके बाद 2-2.25 इंच की हमें ये स्ट्रिप्स कट करनी है। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेने हैं और इस स्ट्रिप्स को भी हमें एक बराबर कट कर लेना है। यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये निशान लग गया और यहाँ से कटिंग कर लेनी है। ये है, ये भी इसी तरह कट कर लेंगे। अब यही स्ट्रिप्स यहाँ पर रखेंगे और दूसरी स्ट्रिप्स इसी के बराबर कट कर लेंगे। ये स्ट्रिप्स मैंने कट कर दी है। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कैसे करना है हमें, जैसे ये स्ट्रिप्स ऐसे रखी है तो इसे हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लग गई है। अब इस स्ट्रिप्स को इस तरह से रखना है। ये देखिए हमारी एकदम परफेक्ट बैठी है सिलाई लगा के। इसके बाद ये हमने कटिंग की थी, यहाँ पे ये पाइपिंग लगनी है। ये पाइपिंग है, इसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। और ये कॉर्नर है, ये हमारा जैसे उल्टी साइड है, ये सीधी है। इस तरह से हम लगाएंगे, यहाँ से ऐसे इस तरह लगाएंगे और यहाँ से फिर हमें इस तरह राउंड में घुमाना है। यहाँ से इसको खींचना नहीं है, स्ट्रिप्स को सिलाई लगाते जाना है और यहाँ से ऐसे घुमाते जाना है इसे। और ये साइड है, यहाँ पर भी इसी तरह ऐसे टर्न करेंगे और यहाँ तक सिलेंगे। सिलाई लगा के यहाँ पे पाइपिंग अटैच कर दी है, ये एक्स्ट्रा है, इसे हमें कट कर लेना है। अब इस कपड़े को ऐसे टर्न करेंगे, पाइपिंग को इस तरह से कर लेना है और ये सिलाई भी ऐसे कर लेंगे। जहाँ हो सके तो हम प्रेस भी कर सकते हैं। तो इसे हमें इस तरह से यहाँ से फोल्ड करना है। ये दोनों साइड से हमारी दिखेगी पाइपिंग। तो इस तरह फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। ये सारी पाइपिंग हमारी लग जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग लगा दी है, इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। अब ये बेल इस स्लीव के साथ हमें अटैच करनी है। तो यहाँ पर हमें रख के देख लेना है कि इसके बराबर है। यहाँ पर तो ये बराबर ही आ रहा है। अगर छोटा बड़ा हो तो हम यहाँ से स्लीव्स को, बड़ा है तो काट सकते हैं और छोटा है तो अंदर सिलाई लगा सकते हैं। तो ये बराबर ही है। जैसे ये सिलाई वाली साइड है और ये हमारी पाइपिंग वाली साइड है। तो इसको हमें इसी यहाँ से ऐसे मिलाना है। दोनों हमें सीधा ही रखना है। जैसे स्लीव हमारी सीधी है, ये भी कपड़ा इसी तरह सीधा रखेंगे।
अब जैसे ये दोनों कपड़े हैं, यहाँ पे हमें ये सेंटर है, यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। अब ये निशान है, इसको हमें इस सेंटर के साथ यहाँ पे पिन लगा लेनी है। इस तरह पिन लगा लेंगे और ये बाकी है, ये भी यहाँ तक पिन लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई है और ये पाइपिंग का है, यहाँ पे भी पिन लगा लेंगे। तो ये हमारी एक साइड हो गई है, ये दूसरी साइड में भी इसी तरह से पिन लगा लेंगे। ये पिन लग गई है, ये सिलाई है और ये भी हमारे दोनों कपड़े हैं, यहाँ पे भी हमें पिन लगा लेनी है। पिन लगाने से क्या इजी रहता है हमें सिलाई लगाने में। तो ये पिन्स लगा के सेट हो गए दोनों कपड़े। अब यहाँ से लेके राउंड में सिलाई लगा देनी है, यहाँ पे हमें डबल डबल सिलाई लगानी है। ये सिलाई मैंने लगा दी है इस तरह राउंड में। अब इस बेल को हमें इस तरह से ऐसे सीधा कर लेना है। हमारी बेल अटैच हो गई है, यहाँ पर चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं, ये पाइपिंग चाहे तो ये भी हम लगा सकते हैं, पहले ही लगा लें। इसके बाद देखिए इस तरह से हम रखेंगे, ये देखिए इस तरह से हमारी ये डिजाइन बना है, इस तरह से आएगा। अगर आपको जैसे ये पाइपिंग नहीं लगानी तो यहाँ पर हम थोड़ा जैसे फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं कपड़े में। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट धागा लगाया है, आप यहाँ पे मैचिंग धागा लगाएं। फ्रेंड्स, बेल स्लीव हमारी बनके रेडी हो गई है। वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।